बिलासपुर के कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, उन्होंने मांग की है। वहीं बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के वायनाड ऑफिस के ऊपर हुए तोड़फोड़ पर बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। मामले को लेकर कांग्रेसियों ने सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयान को उदयपुर की घटना के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया गया, जिससे कि देश में क्रांति पैदा हो सके। साथ ही इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है और भाजपा के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी करती है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजवर्धन राठौर और चार अन्य सांसद और विधायकों ने जिस तरह से राहुल गांधी जी के वायनाड के कार्यालय में हुई तोड़फोड़ की घटना का राहुल गांधी ने जिक्र किया और उस घटना को उदयपुर की घटना से जोड़कर इन्होंने ट्विटर हैंडल में और फेसबुक और अन्य जगह सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित किया, जिससे इस देश की जनता दिग्भ्रमित हो और कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए